मुजफ्फरनगर के विद्युत विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों से विद्युत भंडार केंद्र में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में पूरे केंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि आसपास के जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक केंद्र में रखा करोड़ों रुपए की कीमत का तार और ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पर जिलाधिकारी व एमडी विद्युत विभाग भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। सर, विद्युत विभाग के मुताबिक में आग लगी, क्या है मामला? आज सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में एक सूचना मिली कि सुजड़ू जो स्टोर है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में, इसमें आग लगी करके। तो सूचना मिलने के बाद तत्काल फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी और अलग सहारनपुर ज़िले से भी कुछ गाड़ी मंगवा के आग को बुझा दी गई है। अब उसके संबंध में जो पश्चिमांचल के एमडी महोदय है वो भी आग के निरीक्षण किया गया, मौके पर मैं भी गया था। तो अभी इसका आग काबू पा चुके हैं और उसके बाद इसका जो नुकसान है उसका आकलन चल रहा है और अभी तो सारे चीज़ कंट्रोल में है। ऐसा कोई विद्युत की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हुई है। दो इंडस्ट्रियल फीडर्स बंद है, उसको सुचारू अब सुबह बंद थे, अब तक हो सकता है अब तक चालू।